हिस्ट्री दे विच असी अहिंसा की गल सुनी है कि हाँ जी सिर्फ अहिंसा रही है, ठीक है, इस दे नाल क्रांति मिली है, क्योंकि आपां तां पॉपुलर उन्होंने ही जानते हैं ना। हाँ, बिकॉज वो जीते, मतलब जब ये 1947 में जब गवर्नमेंट सिलेक्ट की गई, इलेक्ट नहीं की, सिलेक्ट की गई, तो सबको अपना अपना पद मिल गया। तो उसके बाद बड़ा पॉइंट है, इलेक्ट नहीं सिलेक्ट हुई सी, सिलेक्ट हुई सी, वो सच है, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कुछ ब्राउन साहब थे जिन्होंने आपस में देश आपस में कर लिया, लोगों से पूछा ही नहीं कुछ। तो फिर जो हिस्टोरियन आए, जो इतिहासकार आए, वो भी उन्हीं के ही थे, तो उन्होंने उन्हीं की गुण गाए और किसी के बारे में अटेंशन ही पे नहीं की, तो वो मुझे अन्याय लगा। बट यू नो रणदीप, इस लेवल तक भी पहुंचने का कि यार ये चीज़ हैगी है, कोई तो पॉइंट होएगा जिन्हें हिट किया होएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट यार कि मैं इस कहानी के पढ़ना है, क्योंकि ये नॉर्मली आप गल्लां करते होवांगे, नॉर्मली आप कह दिए टेबल की कॉन्वरसेशन बन सकती है, बट इन्ना वड्डा पॉइंट किवें बनया है कि यार मैं फिल्म, मेरे को फिल्म आई है तो मैं इसे बंदे से फिल्म बनानी है तो मैनू एदा हिट कर रही है। क्योंकि जब मेरे को ये फिल्म आई थी तो मुझे सब बहुत शुभ चिंतकों ने बोला था कि ये पिक्चर में मत पढ़, ये एक तुझे एक पार्टी का बना देंगे, एक सोच विचारधारा का बना देंगे। तो मैंने उनसे पूछा, फिर मेरा और इरादा बुलंद हो गया कि अगर मैं नेहरू जी पे पिक्चर बनाता और इसी शिद्दत से बनाता तो दूसरी पार्टी वाले गाली देते। तो मैं ये तो एक कलाकार के तौर पे आपका कर्तव्य है कि आपको कला को निष्पक्ष करके पॉलिटिक्स से हटा के करना, और इन पे इतनी लालछना जो लग रही थी, मैं कह यार ये लोगों को गुमराह कर रहे के माफी वीर बोल रहे। पता है ऐसे ही माफी वीर थे तो 27 साल कैप्टिविटी में क्यों रखा, छोड़ के नहीं दिया। तो वो चीजों से ना फिर मेरी बात अटक गई, और कहीं सावरकर जी का ही मेरे ऊपर हाथ रहा होगा कि मेरे आमद जिन्हों के स्क्रीन प्ले मैंने लिख दिया, फिर डायरेक्शन की गोली बंदूक मेरी तरफ घूमी तो डायरेक्शन में घुस गया। अब मैंने ये सब चीजें की नहीं थी पहले, पर मेरे को लगा यार ठीक है, आई गिव इट माई बेस्ट, मैं जो जो आता गया। फिर उसके बाद इतनी तकलीफें हुई, मैं ओखली में सर दिया, तो मुसलों से क्या डरना, देखी जाएगी, अपने जाट भी है, ऐसी बात थोड़ी है।